तो क्या ले दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मुंबई का निखिल के बारे में। तो अभी उनकी एक कंट्रोवर्सी हो गई है कंपनी के साथ जिसके साथ उन्होंने काम किया था। तो बेसिकली उस कंपनी का नाम तो पता चल नहीं पाया है, लेकिन मैं आपको कंट्रोवर्सी के बारे में बता देता हूँ। तो उन्होंने किसी कंपनी के साथ काम किया था, लेकिन अब उनके बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने मुंबई का निखिल को उस वीडियो को डिलीट करने को कहा, लेकिन मुंबई का निखिल ने उसे डिलीट करने से साफ मना कर दिया, जिससे कंपनी और मुंबई का निखिल के बीच में कुछ अनबन हो गई। तो आप देख लीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब मैं मलाड से पवई आ रहा था, मुझे कंपनी से कॉल आया जिस कंपनी के साथ मैंने काइंड ऑफ काम किया है, मतलब उस कंपनी का नाम नहीं लिया ना इंस्टाग्राम पे ना ट्विटर पे ना यूट्यूब पे, तो बिल्कुल भी नहीं लिया, एक छोटा मोटा कुछ तो किया है, ऑब्वियसली इतना डिटेल में बता नहीं सकता, थोड़ा बहुत एथिक्स रखना पड़ता है। अब हमारी हो गई गंदी वाली तूतू मैं। अब वो दूतू मैं इसलिए हुई क्योंकि उनसे कुछ गलती हो गई थी, उनके मैनेजमेंट से कुछ गलती हो गई थी, लेकिन ब्लेम तो क्रिएटर पर डालना है फॉर नो रीजन। और मुझे बोलते हैं निखिल तेरे को ये वाला वीडियो जो है प्राइवेट करना पड़ेगा। मैंने बोला मैं प्राइवेट नहीं करूंगा, आप लोग जाओ भाड़ में, क्योंकि मेरे से कुछ गलती हुई नहीं है, आप लोग से हुई है। लेकिन होता क्या पता है, कुछ वैसे तो 95% ब्रांड जो कंपनियां बहुत अच्छी होती है, बहुत इज्जत देते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर अ कंपनी, दे आर वर्किंग विद लॉट ऑफ क्रिएटर्स, लेकिन कुछ होते हैं 5% ऐसे कंपनी और ब्रांड्स जो क्रिएटर को दो कौड़ी का समझते नहीं हो। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है आशीष चंचलानी के बारे में। तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने आने वाली वीडियो के बारे में बताया, तो आप देख लीजिए। बस थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा प्लीज यार, थोड़ा ही बचा है यार, एकदम थोड़ा, बस जैसे रेडी होगी ना आपको वीडियो दे दूंगा मैं, जैसे रेडी, बस इतना सा बचाओ, इतना मतलब समझ रहे हो, बस ये हो गया ना, उसके बाद वीडियो आ जाएगी। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ, जो है हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक पोस्ट डाला जिसमें उन्होंने बताया कि भाई उन्होंने कुछ बहुत अमेजिंग लिखा है। तो भाई देखते हैं वो क्या लग करेंगे अपनी वीडियो में, क्या आपको उनकी वीडियो को इंतजार है, अगर हाँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी न्यूज की तरफ, जो है ज्ञानी 2.0 के बारे में। भाई जैसे आप सबको पता ही होगा, वो कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे, और जिसने उनका लाइव सेशन देखा होगा उन्हें ये भी पता होगा कि उसमें उन्होंने प्राजक्ता कोहली को पोक किया था, जो मोस्टली सेन चैनल की ओनर है। लेकिन लाइव खत्म होने के बाद वो वीडियो उन्होंने डिलीट दिया। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ उसमें उन्होंने उनके बारे में क्या क्या बोला। तो बेसिकली उस लाइव सेशन में उन्होंने बताया कि प्रजक्ता कोहली जैसा खुद को दिखाती हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, और सिर्फ वो ही नहीं, कई यूट्यूबर जैसा आपको खुद को दिखाते हैं वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है, वो रियल लाइफ में बिल्कुल अलग हैं, वो फेक दिखाते हैं खुद को। और उन्होंने ये भी कहा कि ये उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और किस दिन अगर वार छिड़ गई तो भाई ये तब सब कुछ बताएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए वो प्रजक्ता कोहली को फॉलो नहीं करते हैं क्योंकि वो खुद को फेक दिखाती हैं, वो जैसा खुद को दिखाती हैं वो रियल लाइफ में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप सब लोगों को वीडियो भी दिखा था, लेकिन लाइव सेशन खत्म होने के बाद वो सेव हुआ ही नहीं, लगता है उन्होंने वो डिलीट कर दिया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो आप पर नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप मुझे न्यूज़ सबमिट करना चाहते हैं तो भाई मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिस पर जाकर आप मुझे न्यूज़ सबमिट कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्रेडिट दे दूंगा। तो अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।